हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट चबाना और लेकर आई हूं आपके लिए सितंबर मंथ की 2020 टैरो रीडिंग। कैसा रहने वाला है आपका सितंबर मंथ? आपके लिए रीडिंग्स लेके आई हूं, गाइडेंस लेके आई हूं। और ये जो रीडिंग है आप जानते ही हैं आपको कैसे देखना है अपना वेस्टर्न ज़ोडियक, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नाम राशि, जैसे भी आप देखते हैं आप देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इससे कनेक्टेड फील हो तो आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप दूसरी राशि से देख लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। कई बार एक राशि सूट करती है, कई बार दूसरी राशि सूट करती है। तो अब बारी है हमारी सैजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए। देखते हैं सितंबर 2020 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो कार्ड्स मैं आपको खुद ही आपके सामने ही सेलेक्ट करूँगी, देखिए, ताकि आपको कोई शिकायत ना हो। तो कार्ड्स मुझे बताइए कि सैजिटेरियंस के लिए सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो हमने आपके लिए एक कार्ड निकाल लिया। अब ओशो जेन से भी हम एक कार्ड निकाल रहे हैं और एक हम निकालेंगे आपके लिए एंजल का मैसेज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये आप देखना चाहेंगे? ओके, फोर स्वॉर्ड्स, ये है आपका इनर वॉइस, ओके। एंड देन देखते हैं, ये है फॉलो योर हार्ट। ये आपके तीनों कार्ड्स आ गए हैं और ये क्या कह रहे हैं आपके लिए सैजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है सैजिटेरियंस, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सोचना, कैसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, यानी सब कुछ ठीक भी होगा तब भी आप सोचते रहेंगे। देखिए, वैसे तो ये जो स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं ये यही बता रही हैं कि सोच विचार बहुत ज़्यादा है। और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। माइंड इतना ज़्यादा आपका ना, ये यहाँ से कितने से दर्द होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि कितने मैसेजेस, कितने थॉट्स, कितने उपाय, कितने ड्रीम्स, कितने एरियाज में आपको सोचना है। अभी आपको ये सोचना है, अभी ये सोचना है, तो अभी ये सोचना है, तो अभी ये सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में बॉस की डांट, घर में बीवी की डांट, बाद में बच्चों की फरमाइश, वहाँ पे पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म, हाँ, उसके बाद बैंक वालों ने आपको बुला लिया कि जी आपने इनकम टैक्स के लिए कुछ बात करने के लिए बैंक भी जाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, हाँ, और सोसाइटी में मेंटेनेंस भी देना है। उधर से कोई कुछ कह रहा है, उधर से कोई कुछ कह रहा है, तो ये सारी की सारी खिचड़ी जो है वो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, सैजिटेरियंस परेशान करने वाली है। यानी कि इतना ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, दिमाग इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा सितंबर में कि क्या करें और क्या ना करें। एक अकेली जान और इतने सारे काम, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना भागना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं रिलैक्स करूँ, मैं स्ट्रेस से दूर रहूँ, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ का बिल्कुल ज़रा सी भी कोई तकलीफ हो तो आपको तुरंत से मेडिकेशन लेना है, डॉक्टर को दिखाना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी बात, आप कुछ सिचुएशन से बच रहे हैं, यानी आप कुछ चीज़ों को फेस नहीं करना चाहेंगे, आप उन चीज़ों से बच के भागना चाहेंगे। आपको भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगेगी, आपको लोग नहीं अच्छे लगेंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है सैजिटेरियंस, हो सकता है कोई किसी ने आपको इतना हर्ट किया हो कि आपको लग रहा है भाई मुझे तो किसी से बात नहीं करनी, मुझे अपने अपने अंदर ही रहना है। हाँ, आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई आपको ब्लेम कर रहा है, कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, या किसी की बात भी आपको हर्ट हो सकती है। तो माइंड जो है बहुत ज़्यादा आपके ऑक्यूपाइड रहने वाला है, माइंड भी आपका बहुत ऑक्यूपाइड रहने वाला है। बॉडी थकान, लिथार्जिक, थकान काम करके नहीं होगी, माइंड थकेगा उसकी वजह से बॉडी थकेगी। यानी मेरे को फिजिकल एक्टिविटी नहीं दिख रही, मुझे एयर एलिमेंट ही दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे थकान होएगी, यहाँ की थकान आपको हो सकता है थोड़ा बीमार कर सकती है, कुछ स्ट्रेस एंजाइटी हो सकता है। तो ऐसे में आपको पानी पीना है, मेडिटेशन करना है, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छा अच्छे लोगों से बात करिए, और जो है कुछ नया करिए, कुछ नया सीखिए, अपने हॉबीज़ को निकालिए। क्योंकि ये टाइम सितंबर का मंथ ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है। और ये क्या स्ट्रेस है, ये कहते ना आ बैल मुझे मार, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार बिन बुलाए गेस्ट भी आ जाते हैं, आप नहीं चाहते लेकिन प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आप जो है बर्स्ट आउट हो जाते हैं। तो ये आपका है इस
महीने, तो सजिटेरियंस माइंड बहुत ऑक्यूपाइड है, सोल बिल्कुल मुझे बहुत बढ़िया नहीं दिख रही है, क्योंकि जब माइंड और बॉडी ठीक नहीं है तो सोल ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जा रही है। पैसा पैसा भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा कि पैसा आ रहा है, और इस समय आप पैसे सोच भी नहीं रहे हैं। या ये कह लीजिए कि पैसा आपका ब्लॉक हो गया, आपके बाकी की सारी एनर्जीज ब्लॉक्ड है, इमोशंस ब्लॉक्ड, मनी फाइनेंशियल चीज़ें ब्लॉक्ड, करियर करियर का भी नहीं सोच रहे हैं ब्लॉक। शायद आपके पास बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉमिसिंग मंथ भी नहीं है ये। तो ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि हो सकता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए भी ये हो सकता है कि आप जो है अकेलापन चाहते हैं, अकेले चुपचाप से कोने में बैठ के दरवाजा बंद करके कि भाई मुझे कोई ना डिस्टर्ब करे, मैं प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ आगे की प्लानिंग। तो ये सारा का सारा ब्रेन का काम है इस महीने सैजिटेरियंस आपके लिए। अब हम देखते हैं आपके लिए ये कार्ड क्या आया है। आपके लिए आया है इनर वॉइस। अरे इस कार्ड के साथ के कॉम्बिनेशन में आया है इनर वॉइस। इनर वॉइस कह रहा है अपने मन की सुनिए, किसी की मत सुनिए। आपको 50 लोग 50 चीज़ें बताएंगे, ऐसा कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, करना वही है जो आपको आपकी जो अंदर की इनर वॉइस है वो आपको बता रही है कि भाई तुमको ऐसा करना है, ये तुम्हारे लिए सही है, वो सही है। तो जो इनर वॉइस बोले, क्योंकि सच्चा साथी तो हमारी इनर वॉइस ही होती है, इनर वॉइस सबसे पहले हमको आगाह करती है, अरे ऐसा किया तो ऐसा भी हो सकता है, फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं देख लेंगे, बस यही नहीं करना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं फॉलो योर हार्ट। वाह क्या बात है, इनर वॉइस, फॉलो योर हार्ट। आपके सामने कार्ड्स निकाले थे मैंने, एंड देन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने जो करना है सजिटेरियंस, अपने पे विश्वास करना है, अपने पे फेथ रखना है, यू आर द बेस्ट, आपको मालूम है आपको क्या चाहिए। किसी और को कैसे पता चलेगा कि आपको प्यास लग रही है, किसी और को कैसे पता चलेगा कि आपको भूख लग रही है, किसी को नहीं पता चलेगा, आपको ही अपने आप पता चलेगा। यहाँ पे पिंच करूँ तो दर्द मुझे होगा ना, आपको तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो है अपनी इनर वॉइस, अपने दिल में जो आ रहा है उसको करिए, जो इनर वॉइस कह रही है वो करिए, जो आपको सही लग रहा है वो ही करिए। यही है इस मंथ के लिए सजिटेरियंस आपके लिए रीडिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई हो और आप इनको फॉलो भी करें, ये आपके अच्छे के लिए है। तो चलिए अब हम आपसे आगे लेते हैं। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ, रेजोनेट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, खुश रहिए, थैंक यू।